हाय फ्रेंड्स, पीडीएफ फाइल एडिट करना है और आपके पास एडोब एक्रोबैट रीडर का प्रो वर्जन नहीं है तो आज के इस वीडियो में आपको तीन ऐसा तरीका बताऊंगा जिसके जरिए आप अपने लैपटॉप से काफी आसानी से पीडीएफ फाइल को एडिट कर पाएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो कैसे करना है आगे वीडियो में पूरा जानकारी बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और फ्रेंड्स, वीडियो में दी गई जानकारी अगर सही लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन दिखेगा उसको प्रेस करके और क्लिक कीजिए ताकि आगे वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरे पास दो पीडीएफ फाइल है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ये सिस्टम जनरेटेड पीडीएफ फाइल है और एक है स्कैन पीडीएफ फाइल। ये दोनों टाइप के पीडीएफ को आपको कैसे एडिट करना है, आपके पास अगर एडोब एक्रोबैट रीडर का प्रो वर्जन नहीं है तब भी आप इसको एडिट कर सकते हैं। सबसे पहले जो है मैं सिस्टम जनरेटेड पीडीएफ को कैसे आपको एडिट करना है इसके बारे में बताऊंगा, उसके बाद आपको बताऊंगा कि आपको स्कैन पीडीएफ को कैसे एडिट करना है। तो इसके लिए इसको सबसे पहले मैं इसको स्टेप को क्लोज कर देता हूँ सारा को। क्लोज करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास दो पीडीएफ फाइल है जो कि ये सिस्टम जनरेटेड है और ये स्कैन पीडीएफ है। तो सिस्टम जनरेटेड पीडीएफ को एडिट करने के लिए आपको क्या करना है, माउस से एक बार क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद सिलेक्ट हो जाएगा, फिर माउस का राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे ओपन विद का ऑप्शन दिखेगा तो इस पे जाना है। जाने के बाद आपको चूज अनदर ऐप का ऑप्शन दिखेगा तो इस पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको इसको एमएस वर्ड को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जस्ट वन में आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है एक कुछ इस तरह से नोटिफिकेशन आएगा, फिर इसको आपको ओके कर देना। आप जैसे ओके करेंगे तो ये आपका एमएस वर्ड फाइल में यहाँ पे कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन आप चेंज करना चाहते हो काफी आसानी से कर सकते हो। और करने के बाद इसको फिर से पीडीएफ फाइल में सेव करने के लिए क्या करना है, आपको यहाँ पे फाइल में जाना है, फाइल में जाने के बाद सेवेज में जाना है, सेवेज में जाने के बाद यहाँ पे ब्राउज में जाना है, ब्राउज में जाने के बाद यहाँ पे एक लोकेशन आपको चूज कर लेना है जैसे कि डेस्कटॉप हो गया और यहाँ पे सेवेज टाइप का ऑप्शन दिखेगा तो इस पे वर्ड लिखा है वर्ड डॉक्यूमेंट तो इसको चेंज करके आपको पीडीएफ कर देना है और यहाँ पे मैं एक डाल दूंगा। और डालने के बाद यहाँ पे जैसे मैं सेव में क्लिक करूंगा तो ये पीडीएफ फाइल में फिर से सेव हो जाएगा। फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से जो आप पीडीएफ फाइल को एडिट कर सकते हैं। दूसरा तरीका है फ्रेंड्स, इसी पीडीएफ फाइल को एडिट करने के लिए सिस्टम जनरेटेड आपको क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको एक वेबसाइट का नाम लिखना है जिसका नाम है सेजदा, SEJDA, सेजदा पीडीएफ लिख के आप जैसे सर्च करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले वाला वेबसाइट आपको दिख जाएगा तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है कुछ इस तरह से ऑप्शन आएगा आपके पास, कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, फिर एडिट पीडीएफ डॉक्यूमेंट का ऑप्शन दिखेगा इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपलोड पीडीएफ फाइल का ऑप्शन दिखेगा इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो भी लोकेशन में आपका पीडीएफ फाइल है उसको यहाँ से सिलेक्ट करना था, मेरा डेस्कटॉप में है और यहाँ से जो है मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा जैसे कि मेरे पास ए वाला पीडीएफ था जस्ट इन वॉइस। और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ओपन में क्लिक करना है, जैसे ओपन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आ जाएगा और जो भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको चेंज करना है, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे एडिट करना है उसको आप काफी आसानी से कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, वीडियो सिर्फ एडुकेशन पर्पज के लिए है, इस वीडियो में दिखाया गया टेक्निक को गलत पर्पज या गलत कार्य के लिए यूज ना करें। तो यहाँ पे जैसे जो भी टेक्स्ट आप चेंज करना चाहते हैं उसके ऊपर एक बार आपको माउस से क्लिक करना है, जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखने का ऑप्शन आ गया। और आज का डेट में यहाँ पे डाल देता हूँ जैसे कि आज का डेट है 30/7/2023। और अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ टेक्स्ट ऐड करना है तो उस वो भी आप कर सकते हैं, जैसे कि मुझे यहाँ पे कुछ लिखना है तो यहाँ पे जैसे मैं एक बार क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देख सकते हैं टाइप करने का ऑप्शन आ गया। यहाँ पे मैं मेरा नाम लिख देता हूँ और यहाँ पे बोल्ड कर सकते हैं, यहाँ से इटैलिक कर सकते हैं, यहाँ से जो है आप इसका फॉन्ट साइज भी बढ़ा सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, फॉन्ट को आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ पे फॉन्ट का आपको कलर दिख जाएगा वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी आप ऐड करना चाहेंगे या एडिट करना चाहेंगे काफी आराम से कर सकते हैं। करने के बाद आपको अप्लाई चेंजेस में क्लिक करना है, जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपका टास्क प्रोसेसिंग होगा और यहाँ पे जो है डाउनलोड का ऑप्शन दिख जाएगा, यहाँ पे प्रीव्यू भी दिखेगा और यहाँ पे डाउनलोड में जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये फाइल जो है आपका डाउनलोड हो जाएगा। मैं आपको ओपन करके इसको दिखा देता हूँ, मैं जो भी चेंजेस के यहाँ पे चेंजेस हुआ नहीं थे, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 30/7 हो गया है, यहाँ पे जीवन मंडली का तो भी है। तो ये दूसरा तरीका हो गया। अब तीसरा तरीका है फ्रेंड्स, जो आपका स्कैन पीडीएफ फाइल है उसको एडिट करने के लिए इस वेबसाइट के जरिए भी आप कर सकते हैं, बट आपको एक डिफरेंट तरीका बताऊंगा। इसको आपको सबसे पहले ओपन कर लेना है, ओपन करने के बाद आपको माउस से एक बार क्लिक करना है तो ये पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, आपको कीबोर्ड में कंट्रोल और सी एक बार में प्रेस करना है तो ये जो सिलेक्ट हुआ ये कॉपी हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, एमएस पेंट नाम का एक सॉफ्टवेयर होगा उसको आपको ओपन करना है। जैसे स्टार्ट में जाएंगे, स्टार्ट में जाने के बाद यहाँ पे सर्च कर लेना है पेंट PINT, सर्च करके आपको इंटर करना है। जैसे करेंगे तो यहाँ पे पेंट सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा, फिर आपको कंट्रोल और भी एक बार में प्रेस करके इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। करने के बाद जैसे कि यहाँ पे मुझे नाम चेंजेस करना है या डेट चेंजेस करना है तो इसके लिए क्या करना है, यहाँ पे आपको रेक्टेंगल टूल्स का ऑप्शन दिखेगा, इस पे जाना है। और जाने के बाद जैसे कि यहाँ पे डेट है 15/10/2016 तो मुझे इसको 2012 करना है, तो इसके लिए क्या करना है, बहुत ही आसान सा ऑप्शन है, यहाँ पे एक दो दिख रहा होगा तो इस दो को मैं यहाँ से
कंट्रोल सी से सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी से कॉपी करूंगा, कंट्रोल से पेस्ट करूंगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं आ गया। और इसको मैं 16 के बगल में बिल्कुल लगा दूंगा, तो आपके कीबोर्ड में लेफ्ट राइट और अप डाउन का एरो बटन दिखेगा, उसको प्रेस करके इसको लाना है, और लाने के बाद इसको कुछ इस तरह से यहाँ से फिक्स्ड कर देना है। जैसे कि प्रिंट यहाँ पे देख सकते हैं, ये कुछ इस तरह से फिक्स्ड हो गया है। अगर आपको नाम वगैरह चेंज करना है तो वो भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे पूरा कुछ इस तरह से सिलेक्ट करना है, आपके कीबोर्ड में डिलीट बटन दिखेगा, उसको प्रेस कर देना है। जैसे प्रेस करेंगे तो ये भाग जाएगा, और लिखने के लिए यहाँ पे ऑप्शन आपको दिख जाएगा टेक्स्ट का, तो टेक्स्ट में आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको एक बार यहाँ पे क्लिक करना है, जैसे क्लिक करेंगे तो लिखने का ऑप्शन आ जाएगा, और यहाँ पे मैं अपना नाम डाल देता हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो फॉन्ट साइज है वो छोटा है, तो यहाँ से मैं इसको बड़ा कर लूंगा 16, और इसको मैं कुछ इस तरह से ये करूंगा और भी थोड़ा सा बड़ा कर लूंगा, जैसे कि 20 कर लिया। यहाँ पे बोल्ड दिख रहा है तो बोल्ड को मैं हटा दूंगा, और यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है थोड़ा बहुत मैच हो रहा है, इसका साइज जो है मैं 18 कर लूंगा, 18 में लगभग मैच हो रहा है, ये देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसको कुछ इस तरह से यहाँ पे रख देना है। और इसको सेव करने के लिए आपको क्या करना है, चेंजेस हो जाने के बाद सेव करने के लिए आपको फाइल में जाना है, फाइल में जाने के बाद यहाँ पे सेवेज में जाना है, सेवेज में जाने के बाद यहाँ पे पीएनजी फॉर्मेट को आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो है आपको एक लोकेशन चूज कर लेना है, जैसे कि मैं डेस्कटॉप कर लूंगा, और यहाँ पे मैं नाम दे दूंगा, एडिट कॉपी, और यहाँ पे सेव कर लूंगा। सेव करने के बाद ये जो है पीएनजी फॉर्मेट में सेव हो चुका है। अब ये वाला है, अब इसको जो है पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है वो भी मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं इसको ओपन करके आपको दिखा देता हूँ, मैं जो भी चेंजेस किया था चेंजेस वगैरह, जैसे कि यहाँ पे नाम लिखा था नाम आ गया, यहाँ पे डेट लिखा था वो भी डेट चेंज हो चुका है। अब इसको पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करने के लिए आपको यहाँ पे क्रोम ब्राउजर में जाना है, और यहाँ पे आपको लिख देना है पीएनजी टू पीडीएफ, लिख के आपको सर्च करना है। जैसे सर्च करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहला वाला वेबसाइट आ जाएगा पीएनजी टू पीडीएफ डॉट कॉम का, तो इसको आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखेगा, यहाँ पे अपलोड फाइल का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे डेस्कटॉप में मैं रखा था, तो डेस्कटॉप में जाऊंगा और यहाँ से मैं उसको सिलेक्ट कर लूंगा, जैसे कि एडिट कॉपी नाम दिया था, इसको सिलेक्ट करने के बाद ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह से परसेंटेज आएगा, और यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो फ्रेंड्स यहाँ पे 100% हो चुका है, और यहाँ पे जो है अभी कन्वर्ट होने वाला है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कन्वर्टेड हो गया, डाउनलोड का ऑप्शन आ गया, डाउनलोड में जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये डाउनलोड देख सकते हैं पीडीएफ कॉपी में हो रहा है। और इसको मैं ओपन करके आपको दिखाया था, मैं जो भी चेंजेस किया था वो चेंजेस चाहिए, जैसे कि यहाँ पे नाम डाला था नाम है, और यहाँ पे डेट भी चेंजेस किया था वो भी यहाँ पे दिख रहा है। तो फ्रेंड्स आपके आपको समझ में आ गया होगा, इन तीन तरीके से जो है आप काफी आसानी से पीडीएफ फाइल को कैसे एडिट कर सकते हैं। फ्रेंड्स वीडियो में दी गई जानकारी अगर सही लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए, और फ्रेंड्स इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं, कोई वीडियो को जहाँ के साथ तकलीफ। जय हिंद, वंदे मातरम।